नमस्कार, मैं आपका टॉप रिपोर्टर में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मुझे आप सभी स्टूडेंट के साथ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। हम बात करेंगे नीट 2019 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि 5 तारीख को आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था, तो रिजल्ट के बाद आप सभी स्टूडेंट को पता चल गया होगा कि इस बार जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं। इस हिसाब से आपका रैंक जो है काफ़ी पीछे हो गया है ऑल इंडिया रैंक के कंपैरिजन में। जिन स्टूडेंट का 520 मार्क्स पर 10,000 रैंक थे, इस बार 520 मार्क्स पर 20,000 रैंक हो गए हैं ऑल इंडिया रैंक पर। तो इसे पता चल रहा है कि कंपटीशन काफ़ी टफ हो गए हैं। इस बार के पेपर काफ़ी ईजी थे, इसलिए इस वजह से इसका कट ऑफ जो है 20 से 30 मार्क्स इंक्रीज हो गया है, ऐसा एक्सपर्ट का मानना है। तो यहाँ पर जो न्यूज़ है मुझे आपके साथ शेयर करना है। अब जो है स्टूडेंट जो ऐसा मान रहे थे कि मार्क्स के हिसाब से एडमिशन होगा, लेकिन वह गलत है। एडमिशन जो है वो ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से होगा। तो चलिए आप एग्जांपल से समझते हैं। अब मान लीजिए आपका 600 मार्क्स आया है, लेकिन 600 मार्क्स में आपका रैंक जो है 10,000 आया है, लेकिन सीट जो है सिर्फ 1,000 को ही मिलेगी। भले ही आपका मार्क्स 600 आया हो, लेकिन सीट जो है पहले 1,000 को ही मिलेगी। आपके मार्क्स नहीं देखेंगे, आपके देखेंगे ऑल इंडिया रैंक। अगर आपका रैंक जो है वह अच्छा है, तो ही इसी के हिसाब से आपको एडमिशन मिल जाएगा। इस बार स्टूडेंट का रैंक जो है काफ़ी पीछे आ गया है, क्योंकि जो है आगे के स्टूडेंट ने 600 मार्क्स स्कोर किए हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इस बार 600 क्रॉस कर दिए हैं। तो यही न्यूज़ मुझे आपके साथ शेयर करना है। इस बार के स्टेट कोटा के कट ऑफ 20 से 25 मार्क्स हो जाएंगे, ऑल इंडिया के कट ऑफ भी 20 मार्क्स से जितना इंक्रीज़ हो जाएंगे। सीट्स जो है ऑल इंडिया कोटा में 10 से 12,000 तक ही रहते हैं। 15% सीट्स रहते हैं ऑल इंडिया कोटा के काउंसलिंग में। 15% सीट्स में जो टॉप 12,000 स्टूडेंट्स होते हैं, उनको ही यह चांस मिलेगा एडमिशन लेने के लिए। अगर आपका रैंक 20,000 है, भले ही आपके मार्क्स 550 क्यों ना हो, अगर आपका रैंक 20,000 है तो आपको चांस नहीं मिलने वाला ऑल इंडिया कोटा के काउंसलिंग में। आपके लिए सिर्फ स्टेट कोटा ही रहेगी। तो इतना सा इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ शेयर करना था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो और ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हो, तो नीचे जो लाइक का बटन है, जो सब्सक्राइब का बटन है, उन्हें दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।